व्हाट्स अप गाइस, दिस इज टीके। और आज हम वॉश करने वाले हैं हमारी कार को और टेस्ट करने वाले हैं कॉर्टेक्स का हाई प्रेशर कार वॉशर। तो देख सकते हो आप, मैंने कनेक्शन कर दिए। तो कुछ इस तरीके का हमारा हाई प्रेशर कार वॉशर होने वाला है कॉर्टेक्स का। तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और डिटेल इसके वाली सब मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए अभी इसका प्रेशर भी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। चलिए आपको मैं गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से है गाड़ी की कंडीशन, काफ़ी गंदी हो रखी है गाड़ी। आपको टायर भी मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी यहाँ पर मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो इसको भी हम क्लीन करने वाले हैं। तो आपको पूरी तरीके से मैं गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो बहुत दिनों से मैंने इसको वॉश नहीं किया है, तो काफ़ी ख़राब हो रखी है गाड़ी। तो चलिए फटाफट से ऑन करते हैं, फिर कुछ इस तरीके से हमारी गन होने वाली है। आपको मैं सबसे पहले इसका प्रेशर चेकआउट कर देता हूँ, आप देखना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर होने वाला है और इस नोजल से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो गाइज, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हम इसका टेस्ट करने वाले हैं, मैं आपको इसमें कार वॉश करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, पर चलिए अभी बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रेशर एडजस्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस नोजल को रोटेट करके आपको प्रेशर एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो, आपको मैं अभी प्रेशर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके, तो कुछ इस तरीके का प्रेशर आएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आप एंजॉय कीजिए। देख सकते हो आप, ये अच्छे तरीके से मिट्टी हटा देता है। अभी मैं आपको इसका एक्सट्रीम टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मिट्टी देख सकते हो आप, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी चिपकी हुई है। तो अभी हम इसको हाई प्रेशर से वॉश करने वाले हैं, तो अब आप चेकआउट करना। देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने नीचे से क्लीन कर दिया है। तो अभी मैं ऊपर की इस तरीके से ही क्लीन करने वाला हूँ। तो चलिए अभी टायर भी क्लीन कर लेते हैं हम और आपको दिखाता हूँ मैं। देख सकते हो आप, कितनी अच्छे तरीके से इसने मिट्टी क्लियर कर दी और टायर भी काफ़ी अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। तो अभी आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए, तब तक मैं पूरी तरीके से गाड़ी को वॉश कर लेता हूँ।
और इसके बाद हम फोम गन भी यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी देर के बाद हमारी काफ़ी हद तक जो है वो गंदगी निकल चुकी है। ये काफ़ी पुरानी मिट्टी तो ये जल्दी से निकलेंगी नहीं, तो हमें इसको फोम वॉश करना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी हद तक जो है इसने मिट्टी हटा दी है, देख सकते हो आप। अंदर भी काफ़ी क्लीन कर दिया है इसने भाई। उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ दर्द करने लग गए। तो चलिए मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अंदर से तो भाई मैंने पहले से ही गाड़ी को क्लीन करके रखा है, देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो रखी है गाड़ी अंदर से। तो देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी तरीके से इसने मिट्टी हटा दी है। पीछे के टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्लीन करके रखा है इसने। तो चलिए अभी फोम गन कनेक्ट करते हैं और फोम लगाते हैं इसमें। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें जो है फोम कैनन मिल चुके हैं, देख सकते हो आप। कुछ इस तरीके से फोम कैनन होने वाली है। तो इसका कनेक्टर आता है, वो भी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो है ये कार वॉशिंग का शैम्पू है। ये इसकी जो ड्रम थी वो फट चुकी थी, तो मैंने इसको इस बोतल में भर के रखा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको मिक्स करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मार्क देख सकते हो आप, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको 100 ml शैम्पू डालना है, जो कार सोप आपके पास होगा वो आपको डालना है इसमें। और उसके बाद बाकी आप पानी भर सकते हो इसमें। तो चलिए फटाफट से मिक्स कर लेते इसको। तो देख सकते हो आप, अभी मैंने फोम गन कनेक्ट कर लिए। कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपको अगर आपका फोम अच्छा नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। नोज़ल को देख सकते हो, यहाँ से एडजस्ट होता है आगे से। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो आप, काफ़ी गाढ़ा फोम आ रहा है। तो जो पूरी तरीके से मैं आपको इसके फोम मार के दिखाता हूँ। देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है फोम लग चुका है। फटाफट से मैं इसके ऊपर अभी स्पंज से इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर हम इसको हाई प्रेशर से वॉश करेंगे। तो देख सकते हो आप, मैंने स्पंज लगा के काफ़ी हद तक इसको क्लीन कर दिया है। अभी हम इस पे वाटर का स्प्रे करेंगे। तो फोम जो है वो काफ़ी हद तक मैंने गायब कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ।
अभी हम इस पर हाई प्रेशर वाटर स्प्रे करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है हमारी गाड़ी क्लीन हो जाएगी। तो भाई हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, आपको मैं स्पंज भी दिखा देता हूँ। तो इस स्पंज से मैंने गाड़ी को क्लीन किया है फोम मारने के बाद। तो चलिए अभी हाई प्रेशर वाटर स्प्रे करते हैं। तो वाटर स्प्रे करने के बाद कुछ इस तरीके से है गाड़ी की कंडीशन, देख सकते हो आप। काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है कार हमारी। तो चलिए इसको अभी हम सुखाते हैं, फिर आपको मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा। आई होप गाइस आपने सिनेमैटिक्स एंजॉय किए होंगे, और तब तक मैंने इंजन भी क्लीन कर लिया गाड़ी का। आइए आपको दिखा देता हूँ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा इंजन भी क्लीन हो चुका है। अब इंजन क्लीन करते समय ध्यान रखना, आपको इस जगह पर पानी नहीं जाने देना है, और इस जगह पर, और देख सकते हो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंजन मैंने क्लीन कर दिया है आपको। और एक बार मैं गाड़ी दिखा देता हूँ, ने सिनेमैटिक्स में देख ही लिया होगा। तो मशीन की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अभी तक तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मशीन की, कोई दिक्कत नहीं आई मशीन में। और काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है गाइस गाड़ी क्लीन करते हुए, देख सकते हो आप मेरी कंडीशन, पूरा बिक चुका हूँ मैं। इस तरीके से हमने हमारा कॉर्टेक्स का मशीन टेस्ट किया आज, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। फोम गन भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक नया कंटेंट आने वाला है चैनल पर, अगर आपको वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।